क्या घटना घटित हुई आज आप अस्पताल आए? घटना बच्ची खत्म हो गई, छोटी भैया। क्या कारण रहा? कारण तो यह है, तो पड़ताल का मौसम उसके दिन से। कौन पड़ताल करता था? सास नंदू की। के गौरझामर थाना के अंतर्गत ग्राम जलुआ में 20 वर्षीय नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। पिता ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष के लोग बुलेट गाड़ी की मांग कर रहे थे, जिसके कारण मेरी बेटी को परेशान किया जा रहा था। वहां पर जानकारी मिली है कि 26 जनवरी को लड़की की अचानक तबीयत खराब होती है, लेकिन मायके पक्ष को नहीं बताया जाता कि लड़की बीमार है, जिसके चलते हुए पिता प्रताप सह ने पुत्री को दहेज मांगने की बात की है कि मेरी बेटी से दहेज मांगा जाता था। वहीं पर जहर दे के मारने का मामला आ रहा है, लेकिन पुलिस गौरझामर पुलिस और देवरी पुलिस जांच में जुटी है। यह मामला गौरझामर थाने के अंतर्गत है, जांच में लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं गौरझामर से यह खबर आ रही है। राकेश तिवारी की रिपोर्ट, कलू खान के साथ। प्रताप सिंह, अस्पताल आए, क्या हो गया है? अस्पताल आए, बच्ची खत्म हो गई, जहर दिया है इन लोगों ने। किन्ने? जरगुआ वालों ने, सासरी वालों ने। क्या नाम? राम मिलन। राम मिलन। अच्छा, लड़का का नाम अनिल। हाँ हाँ, कब दे दिया इन्हें जहर? मम्मी की 3 दिन पहले। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग? इन लोगों ने जहर दिया, क्या कार्रवाई चाहते हैं शासन से? हम कानून चाहिए साहब, कायमी जो कुछ हो गए कार्रवाई इन लोगों की। आपको क्या लगता है किस वजह से दिया जहर? वो दहेज मांगते थे। क्या नाम था? 4 महीना पहले से। राजकुमारी। राजकुमारी। कौन कौन लोग प्रताड़ित करते थे? सास, ससुर, नंद, देवर, लड़का। कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं। कल रात में ये रिपोर्ट हुआ था गौरझामर थाने में, तो हम लोगों ने इसमें मरक पंजीबद्ध करा है, विवेचना में है। जो भी साक्ष्य होंगे, जो भी इसमें आगे जैसे भी साक्ष्य आते हैं, एविडेंस आते हैं, हम उसके आधार पर इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। परिजनों का आरोप है कि जहर देकर मृत्यु हुई है। विवेचना के दौरान मैं आपसे वही कह रही हूँ कि जैसा भी परिजनों के द्वारा हमारे पास साक्ष्य आएंगे, हम उसके अनुसार उसमें आगे।